फतवे की किताब बेच रही सीधे आपके पास आते हुए। अभी तो मामला कोर्ट में है, वो कह रहे हैं कि साबित तो होने दीजिए कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। पहले से इस बात को आप लोग ठीक है, वो कह रहे हैं पहले से करेंगे कम बात है, धर्म को लेकर क्यों हो रही है? ये साबित कहाँ से करेंगे, इनके पास क्या है कि साबित करेंगे? मंदिर का पूरा आकार मेरा है, वहाँ नंदी बैठे हुए हैं, वहाँ सांप है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ घंटा है, ये किस चीज पर साबित करेंगे? और कैसे ये आंख बंद कर लिए हैं, हमारी भावनाओं के बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। का एक्ट लेकर जा रहे हैं ना कोर्ट, वो उसी पर तो सुनवाई होगी 26 को। वो ले आ रहे हैं, अच्छी बात है ले आए, लेकिन हारना है इनको। लेकिन जो हमारे मूर्ति के साथ अपमान इन्होंने किया है उसकी भरपाई ये करेंगे? इनसे पूछिए, उसकी भरपाई अगर ये करे हैं तो ठीक है। किस तरह की भरपाई, किस तरह की भरपाई? इन्होंने कहा कि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि मूर्ति है, हमने थूका चाहे जो किया, मूर्ति है या निश्चित है। लेकिन जो इन्होंने 300 साल से कुकर्म हमारे मूर्ति के साथ किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेंगे? सरफराज अहमद जी, सवाल तो उनका महत्वपूर्ण है ना। और देखिए, औरंगजेब को लेकर तो इतिहास की किताबों में दर्ज है कि किस तरह से उसने क्रूरता की है हिंदू मंदिरों के साथ में। तो अगर इतिहास को ठीक करने का वक्त आ गया है जैसा कि वो बोल रही हैं, तो आप लोगों को क्या सहयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, ये भरपाई करेंगे हमारे साथ, जो हमारे पूर्वजों का जो एक निशानी है, हमारा जो एक शिवलिंग है, भरपाई कर दीजिए। उनके पूर्वजों की निशानी है उसकी भरपाई कर दीजिए। बार बार कर रहे हैं साबित करना है, साबित करना, साबित है, लेकिन भरपाई ये कैसे करेंगे ये हमें बताएं। ठीक है सरफराज जी। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। पहले मैं अपने मौजिस बनास के हाजरीन लोगों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। और मैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम है, रहम करने वाला है। मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से भी आया कर देना चाहता हूँ। बनारस गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है और ताकत का प्रदर्शन हर जमाने में ताकतवर करता रहा। जब औरंगजेब की बात करिए, जमाने में शंकराचार्य ने भी अपने जमाने में बौद्धिस्टों को खदेड़ा, यहाँ से चाइना तक चले गए। तो ताकत हमेशा ताकत की बात होगी क्या? है ताकत की बात हुई। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, इस कानून के मद्देनजर जो मंदिर या मस्जिद, अगर मंदिर में पूजा हो रही है, मस्जिद में पूजा हो रही है और मंदिर है, आज जो जहाँ स्ट्रक्चर है कि ये कानून बहुत पहले बहन कहने दीजिए, अगर आप ही कहनी तो मैं दवा बन गया था, लेकिन लोगों ने दिया नहीं, कह दी तो मैं। आज हमने न्यूज देखा, न्यूज 18 पर दिखा रहा था पूरा किताब जो बीएचयू में पड़ा हुआ है, इन लोगों ने माना? जवाब दीजिए। मैं अगर औरंगजेब की बात कर रही हैं, मेरा औरंगजेब मेरा दादा परदादा नहीं है, मैं रामकृष्ण का मानने वाला हूं और उनके मोहम्मद साहब के आदर्शों से मैं इस्लाम को कबूल किया हूं। और कहीं नैरेटिव नहीं है कि औरंगजेब ने कहा। अगर ताकत की बात की जाए तो शंकराचार्य ने अपने जमाने बौद्धिस्टों बता दिए, और अगर औरंगजेब ने किया अपने जमाने में, तो ये तो फिर आज की बात। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं जोशोर ओझा जी कानून के दायरे में बाबा राव भीम ठीक है, लेकिन ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो बार बार कानून का हवाला दे रहे हैं। अब 1991 में अगर कहीं कमी है तो उनकी बात भी हो जाने दीजिए, जो कमी रहेगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन आप लोग भी क्या दबाव नहीं बना रहे हैं, और दबाव बनाकर एक माहौल नहीं पैदा। जो भी जाता है 4 नंबर गेट से अंदर, पहले मस्जिद उसके बाद मंदिर, तो मस्जिद को लोग गौर से देख रहे हैं, क्या रहे हैं किसी के भीतर भगवान जी मौजूद हैं। आप लोग भी तो पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना इस वक्त। देखिए चित्रा जी, कभी भी हिंदू समाज ने धार्मिक रूप से किसी पर दबाव नहीं दिया है, पहली चीज। और जहां तक औरंगजेब की बात है, अन्य लोगों की बात है, वो इस भारतीयता के कलंक हैं, हमारे आदर्श नहीं है। और मंदिर जो है, देखिए फुहारा कहें जो कहें, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, इतिहास के अनुसार, परंपराओं के अनुसार ये सिद्ध बात है कि वो मंदिर है। और निश्चित रूप से जहां तक अधिनियम की बात कर रहे हैं, जिस सिविल कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का, कमीशन का, क्या वो अधिनियम नहीं जानता था? हमसे अधिक जानता रहा होगा। तो जहां तक कहीं ना कहीं उस अधिनियम में भी कोई कमी है, और हिंदुओं की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, जो आस्था का केंद्र है, उन केंद्रों की मर्यादा भंग किया गया, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय के पास हमारी माताएं गईं, वो तो गई थी केवल गौरी के लिए, साथ में बाबा भी आ गए, और ये सच बात है, दोनों मिल के रहेंगे। और निश्चित रूप से कभी भी हिंदू समाज ठीक है किसी भी तरह का उन्माद करना नहीं चाहता ठीक है, जो न्यायालय लेकिन ये धीरे धीरे जो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी चल रही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि राम मंदिर के मामले में हम सब ने देखा कितनी लंबी सुनवाई चली, और उस दौरान माहौल भी समय समय पर बिगड़ता रहा। कम से कम ज्ञानवापी के मामले में ऐसा नहीं हो, क्या तेजी से सुनवाई होनी चाहिए? इस तरह की भी कोई सोच और मांग है आप लोगों की? सुनवाई होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा।
जो वर्तमान सरकार है वो निष्पक्ष सरकार है। जो भी भारत की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत हो, आध्यात्मिक मामला तो कोर्ट में आप कह रहे हैं सरकार निष्पक्ष। यहाँ भी 30 साल पहले श्रृंगार गौरी का पूजन अंदर होता था, लेकिन ये किसने बंद किया? अभी स्वामी जी ने कहा इस सरकार ने न किसी मस्जिद को बंद किया, न किसी मंदिर को बंद किया, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं, न्याय मिलेगा। ठीक है, खड़े हो जाइए, पूछिए जल्दी से। हमारा ये प्रश्न है कि गंगा जी से, ज्ञान से, वापी से और शिवलिंग से क्या संबंध है आपका? सरफराज जी से पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न है, विश्वेश्वरस्य दक्षिणे भागे वापी स्थित शोभनम तस्य ऊत जलम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। आप पुनर्जन्म को मानते नहीं? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे हमारे देवी देवता हैं। कह रहे हैं हर तरफ हमारे देवी देवता हैं, आप तो मानते ही नहीं।